और आरा से खबर, जहां कोइलवर पुल पर भारी वाहनों का परिचालन जारी रहेगा। मरम्मत की तैयारी पूरी नहीं होने के कारण ये निर्णय लिया गया है, अगले सप्ताह से भारी वाहनों का परिचालन बंद होगा। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। और इस जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंदन, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया है। चंदन, पहले ये जानकारी मिल रही थी कि 7 सितंबर तक जो परिचालन है वो बंद रहेगा भारी वाहनों का, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है, क्या वजह रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए इसको लेकर तो प्रशासनिक तैयारी जितनी वो नहीं हो पाई थी, जिस तरह से विभाग ने लगातार 25 जुलाई से लेकर 7 सितंबर तक दक्षिणी लेन है उसमें मरम्मती को लेकर के बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन एक तरह से कहते हैं इतिहास के तौर पर जो जिला प्रशासन से तैयारी करने के लिए तैयारी करके और उसको सूचना देने के लिए, लेकिन वो तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस तरह से बड़ी गाड़ियों का आवागमन प्रभावित होता है उसको लेकर के ट्रैफिक के रूप से उसको परिवर्तित करना पड़ता है। साथ ही साथ रोड एजुकेशन बोर्ड से जितने तैयारियां थी वो तैयारी नहीं पूरी हो पाई है, उसको लेकर के जिला प्रशासन ने इस काम को आगे बढ़ा दिया है और आने वाले एक सप्ताह के बाद उक्त पुल में मरम्मति को लेकर के जो विभागीय गाइडलाइन होगा उसके आधार पर जिला प्रशासन ने स्वीकृति प्रदान करने की बात कही। तो राहत देने वाली ये खबर फिर से आई है भोजपुर जिले से, और भोजपुर के जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा ने खुद इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि आज से जो पुल बंद होने की अफवाह फैलाई जा रही थी या खबर जो दी गई थी वो खबर सही नहीं है। हालांकि पुल मरम्मती को लेकर के बंद करने की बात स्वीकार की है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी नहीं होने के कारण आज इसे स्थगित, तो तैयारी नहीं पूरी होने के कारण एक अगले सप्ताह से जो परिचालन है वो बंद रहेगा। तमाम जानकारियों के लिए चंदन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहत की खबर है कि भारी वाहनों का परिचालन फिलहाल बंद नहीं किया गया है, कोइलवर पुल से भारी वाहन अब आ जा सकेंगे, अगले सप्ताह से परिचालन बंद होगा। इसकी जो पूरी जानकारी है वो बताई गई है, मरम्मत की तैयारी पूरी नहीं होने के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है, इसकी जानकारी जिलाधिकारी ने दी है।